So hello guys, welcome to my channel Himachali Wisdom. So this video is बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आ रहा है. सॉरी फॉर द डिले बिकॉज आई एम बिट बिजी ड्यू टू माई ऑफिस वर्क. एंड टूडेज लेक्चर इज ऑल अबाउट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द 19th पार्ट ऑफ द ज्योग्राफिकल लेक्चर सीरीज. जो हमने लास्ट लेक्चर था वो हमने इम्पॉर्टेंट पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड के बारे में डिस्कस किया था. सो इन द टूडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट इम्पॉर्टेंट जो हमारे वर्ल्ड की इम्पॉर्टेंट जो सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके. तो विदाउट एनी डिले लेट्स रोल अ वीडियो. तो जो इम्पॉर्टेंट डिटेक्टिव एजेंसीज हैं वर्ल्ड की, फॉर एग्जांपल जो सीक्रेट सर्विसेज होती हैं किसी भी देश की, जो उनकी डिफेंस फोर्सेस का एक पार्ट होती हैं और जितने भी सीक्रेट सर्विसेज के लिए इन सोल्जर्स को चुना जाता है, तो हर एक देश में कोई ना कोई एक सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज होती हैं. तो जो इम्पॉर्टेंट देश की सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो देखते हैं. तो सबसे पहले जो कंट्री है वो है साउथ अफ्रीका. तो साउथ अफ्रीका का जो इम्पॉर्टेंट जो उनकी सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विसेज है उसको हम बॉस बोलते हैं. बॉस की फुल फॉर्म रहेगी दैट ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी. तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी जो है, जो जितने भी डिटेक्टिव एजेंसीज के वर्क होता है वो साउथ अफ्रीका का जो है वो बॉस देखती है. तो ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी एंड इन शॉर्ट यू कैन रिमेंबर इट एज बॉस, BOSS. अगली जो इम्पोर्टेंट कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम. सो यूनाइटेड किंगडम की जो सीक्रेट सर्विसेज है उसका नाम है MI. तो MI इज ऑल्सो नोन एज द मिलिट्री इंटेलिजेंस. मिलिट्री इंटेलिजेंस सर्विसेज जो है वो जितने भी सीक्रेट सर्विसेज के कार्य होते हैं उनको कंडक्ट करने के लिए UK की सरकार की तरफ से MI को अपॉइंट किया गया है. एंड हियर इज द लोगो ऑफ द, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये जो है ये लोगो है UK उसकी, MI UK का जो MI सर्विसेज है. नेक्स्ट हमारे पास है जो हमारा बहुत फ्रेंडली नेबर है, दैट इज पाकिस्तान. तो पाकिस्तान की जो सर्विसेज के बारे में, तो ये वर्ल्ड फेमस है, दैट इज ISI जो इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जो इनकी सीक्रेट सर्विसेज है उनका नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, दैट इज ISI, और यहाँ पे इसका सिंबल है. तो पाकिस्तान इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल एंड दिस सीक्रेट सर्विसेज ऑफ द पाकिस्तान इज ऑल्सो responsible for the many type of the militant activities that are going at present in our country. So ISI एक बहुत बदनाम जो है वो intelligence services है पाकिस्तान की तरफ से. तो उनकी जो secret services का नाम है ISI. Next है हमारे पास हमारा देश इंडिया. तो इंडिया की तरफ से जो secret services कार्य करती है वो है RAW. आई होप आपने बेबी मूवी को देखा होगा, जो बॉलीवुड की मूवी है जिसमें अक्षय कुमार जो है एक सीक्रेट एजेंट का रोल अदा करते हैं. तो जो रॉ के एजेंट होते हैं, तो रॉ जो है वो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द रॉ. और IB इंटेलिजेंस ब्यूरो. तो इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ जो है वो इंडिया की तरफ से जो है वो सीक्रेट सर्विसेस का एक ग्रुप है, जो कि जितने भी इम्पॉर्टेंट सीक्रेट मिशंस होते हैं इंडिया के सोल्जर्स की तरफ से, तो रॉ और IB में इतने सीक्रेट तरीके से इन सोल्जर्स की भर्ती की जाती है कि इनके जो नाम होता है और इनका एड्रेस जो होता है, इनकी सारी की सारी हिस्ट्री, इनकी सारी की सारी डिटेल्स को एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल करके जो है इनको भर्ती किया जाता है, और इन फ्यूचर
जो है इनका एक्चुअली एक तरह से बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल तरीके से इनका नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी हिस्ट्री, इनका पास्ट, इनका प्रेजेंट, इनका फ्यूचर, सब कुछ एक तरीके से जो है वो एक तरीके से कॉन्फिडेंशियल होता है बिल्कुल। तो इंडिया की तरफ से जो है रॉ और आईबी जो है वो सीक्रेट एजेंसीज हैं जो कि कार्य करती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास कंट्री है दैट इज इसराइल। तो इसराइल की जो सीक्रेट सर्विसेज है वो है मोसाद, एंड इट इज द वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड वेरी एक्टिविस्ट सीक्रेट सर्विसेज ऑफ द कंट्री। तो मोसाद इज वेरी फेमस सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी फ्रॉम द इसराइल। इसराइल जो बेंजामिन नित्यानयाहू हैं जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं इसराइल के, एंड इसराइल इज ऑल्सो अ वेरी फ्रेंडली कंट्री टू द इंडिया, एंड हेयर इज द सिंबल ऑफ द मोसाद दैट इज इसराइल का जो सीक्रेट सर्विसेज है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दैट इज यूएसए। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी जो है वो वर्क करती है वो है सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, जिसको हम CIA के नाम से भी जानते हैं। तो CIA इज द सीक्रेट एजेंसी फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो CIA इज अ सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी फ्रॉम साइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से CIA जो एक सीक्रेट सर्विसेज कार्य करती है, और एक दूसरी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जो सीक्रेट सर्विसेज जो है वो कार्य करती है वो है FBI। तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है वो एक तरीके से जो जो मेट्रोपॉलियन पुलिस डिपार्टमेंट होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज FBI जो है वो कार्य करती है यूएसए की तरफ से। सिमिलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से जैसे हमारे पास इंडिया में रॉ और आईबी है, इसी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास जो सीक्रेट सर्विसेज है दैट इज वन इज FBI एंड अनदर वन इज CIA। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट कंट्री दैट इज जापान। तो जापान जो है जिसकी संसद का नाम डाइट है, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, एंड जापान की जो राजधानी है वो टोक्यो है, एंड जो इनका जो इनकी मुद्रा है वो है येन। तो नाइचो जो है वो सीक्रेट सर्विसेज जो है वो जापान की तरफ से कार्य करती है। तो नाइचो इज द नेम ऑफ द सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी ऑफ द जापान। नेक्स्ट जो कंट्री है हमारे पास वो है ईरान। तो ईरान की तरफ से जो सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी कार्य करती है वो है सवक। तो सवक इज द सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी फ्रॉम द साइड ऑफ द कंट्री ईरान। तो ईरान इज सवक इज द सीक्रेट सर्विसेज फ्रॉम द ईरान। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट जो सीक्रेट सर्विसेज हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के जो कि कार्य करते हैं, और जितने भी कॉन्फिडेंशियल एक्टिविटीज होती हैं उनकी मिलिट्री उनकी इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज की उनको कंडक्ट करते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आई नो दिस लेक्चर इज कमिंग आफ्टर सो मैनी डेज, बट सॉरी दैट आई एम वेरी बिजी ड्यू टू माई ऑफिस ऑफिस वर्क, एंड इसके बाद जो है कंटिन्यू लेक्चर आया करेंगे। सो दिस वॉज द 19th पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, कमेंट ऑन इट, लाइक माई चैनल, प्लीज शेयर माई वीडियोज सो दैट यू कैन हेल्प मी टू रीच more subscriber. Till then, stay safe, keep watching my videos, keep learning. Thank you for watching my channel. Jai Hind.